नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LCM और HCF दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको LCM निकालना नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको HCF निकालना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से दोनों को एक साथ सीखेंगे, ताकि आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर दो सवाल लिखे हुए हैं। यहां पर जो पहला सवाल है, इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल जो है, इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो सवाल हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला सवाल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है 20, 24, 48, ठीक है। 20, ठीक है, 20, 24 और 48, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, LCM निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और दूसरी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। चलिए अब करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इसमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है जिनमें से कोई भी संख्या जो है वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। हमें छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि पहले हम दो से चेक करेंगे, अगर दो से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगी तो हम तीन से करेंगे, तीन से नहीं होगी तो चार से करेंगे, लेकिन हम शुरुआत छोटी संख्या से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दो से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब हम दो से ही यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो दो से बीस में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, देखिए दो एकम दो और जीरो 10 बार गया, ठीक है। 24 में कितनी बार जाएगा, देखिए दो एकम दो और दो दुनी चार 12 बार चला गया। यहां पर देखिए दो दुनी चार, ठीक है, दो दुनी चार और यहां पर दो चौके 8, ठीक है, 24 बार गया। चलिए फिर दो से लगाते हैं, तो देखिए दो पंजे 10, ठीक है, दो छिंग 12 और यहां पर दो एकम दो और ये दो दुनी चार, क्लियर। चलिए फिर से एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी दो से चला जाएगा, ये भी दो से, तो फिर दो से ही देते हैं। पाँच में नहीं जाएगा, पाँच को ऐसे ही छोड़ देंगे, दो तिया के 6 और दो छिंग के 12, ठीक है। चलिए अब देखिए ये दो से चला जाएगा, तो फिर दो से लगाएंगे, पाँच को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तीन को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 6 में कितनी बार जाएगा, दो तिया के 6, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पर तीन से लगाएंगे, क्योंकि अब दो से नहीं जाएगा, अब तीन से जाएगा, तो पाँच को ऐसे ही छोड़ेंगे, तीन एकम तीन और यहाँ पर तीन एकम तीन, फिर पाँच से लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पाँच एकम पाँच, एक का एक आ गया और एक का एक आ गया, नीचे एक 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 आ गया। इसका मतलब ये है कि अब जो है हमारा सवाल यहाँ पर पूरा हो चुका है, अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत है। तो आंसर कैसे निकलेगा, आंसर निकलेगा यहाँ से, ये वाली जो संख्याएँ आपको दिख रही हैं, इन संख्याओं की मदद से ही हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम इनको गुणा के रूप में लिखेंगे, दो कितनी बार है, एक दो तीन चार, चार बार है, तो चार बार गुणा में लिखेंगे, देखिए दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, चार बार था तो हमने चार बार गुणा में लिख लिया है। इसके बाद में देखिए तीन और पांच है, तो गुणा में हम लिखेंगे गुणा तीन और गुणा पांच, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, सभी को गुणा कर लीजिए, तो देखिए दो दुनी चार, चार दुनी आठ, ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा आठ, ठीक है। फिर यहाँ पर दो तिया कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पर हम दो तिया 6 कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दो तिया 6 और ये गुणा में कितना है, 5 है, ठीक है। अब एक बार और गुणा कर लेते हैं, 8 गुणा ये आ जाएगा हमारा 6 और गुणा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पर 8 छिंग हो जाएगा 48, तो ये हो गया 48 गुणा 5 कर दीजिए, 5 और 48 का गुणा करेंगे, देखिए 8 पंजे 40 की 0 हासिल आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर 5 चौके 20, 20 और 4 24, यानी कि 240, तो 240 जो है वो हमारा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, 240, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, एक बार और करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 तिया 48, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 48 और गुणा 5 कर दीजिए, ठीक है। तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल आ जाएगा 4, 5 को 20 और 4 24, तो 240, इस प्रकार से भी आपका 240 आ गया है, ठीक है। तो हमारा जो LCM का सवाल है, इसका आंसर आ चुका है 240, और इस प्रकार से ही LCM के सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम HCF निकालना सीखेंगे, तो इसको साफ कर देते हैं और अब हम सीखेंगे कि HCF किस प्रकार से निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा जो सवाल है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या है, देखिए 30 है और 50 है, ठीक है।
तो जो HCF हम निकालना सीख रहे हैं इसको हम करेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि जो है इससे आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 30 बड़ा है कि 50 बड़ा है, 50 बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे 50 में भाग लगाएंगे काय से, 50 में हम भाग लगाएंगे 30 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई ये हो गया हमारा 50। ठीक है, अब 50 में हम भाग लगाएंगे काय से, 30 से। ठीक है, तो 30 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब भाग कितनी बार जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 60 तो ज़्यादा हो जाएगा 50 से, तो हम कितनी बार लगाएंगे, एक बार। ठीक है, तो 30 से कम 30 हो गया। ठीक, चलिए तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, तो घटा लीजिए 50 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा 20 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 20। ठीक है, अब जब तक शेषफल बचता जाएगा तब तक हम इसका भाग करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से बचा कितना है 20, अब 20 बच गया तो हम क्या करेंगे इस 20 से इस 30 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस 30 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 30। ठीक है, अब 20 से हमें 30 में भाग लगाना है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझाऊंगा एक बार तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को एंड तक देखें। तो 20 का अब हम भाग लगाएंगे 30 में, कितनी बार जाएगा देखिए, तो भाग लगाइए 20 से कम 20, 20 दुनी 40, तो 40 जो है वो 30 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कम लेना है ज़्यादा नहीं लेना, तो यहाँ पर देखिए 20 से कम 20, तो ये आ गया 20। ठीक है, चलिए अब इसको फिर से घटाइए, तो 30 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब जैसा हमने देखिए यहाँ पर 20 बचा था तो हमने 30 में भाग लगाया था, अब यहाँ पर 10 बचा है तो हम 20 में भाग लगाएंगे, तो 20 को हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें फिर से देखिए कितनी बार भाग लगाएं कि यहाँ पर 20 आ जाए, तो 10 दुनी 20, दो बार में 20 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो 20 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया है, 10 आ गया है, तो जो 10 है वही हमारा क्या है, HCF आ गया है इस वाले सवाल का। ठीक है, देखिए एक बार इसको समझिए, करना क्या है, सबसे पहले हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या पता करना है, तो बड़ी संख्या हमें पता चल गई 50 है, छोटी संख्या 30 है। ठीक है, तो हमें 30 से भाग लगाना है 50 में। अब भाग हम कैसे लगाएंगे कि भाई 30 का पहाड़ा कितनी बार पड़े कि या तो 50 आए या 50 से कम आए, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या करा 30 को ले लिया। ठीक है, फिर 50 में से 30 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। हमें ये सवाल तब तक करते जाना है जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो अभी शेषफल 20 है, तो हम क्या करेंगे इस 20 से अब 30 में भाग लगाएंगे, तो हमने 30 में लगाया, तो देखिए 30 में भाग लगाया तो फिर से 10 बच गया, अब शेषफल बच गया तो हम फिर से भाग लगाएंगे, तो इस 10 से अब हमने 20 में भाग लगाया, अब 10 दूनी 20 आ गया, मतलब शेषफल जीरो हो गया। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल जीरो हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी भाग विधि। अब मैं आपको एक और विधि सिखाता हूं, गुणनखंड विधि, जिसकी मदद से आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको साफ कर देते हैं और अब हम इसको सीखेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा दोनों विधियों से। तो देखिए यहां पर 30 है, तो 30 का हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गुणनखंड निकालने होंगे, और 50 का भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गुणनखंड निकालने होंगे। ठीक है, तो 30 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा 2। ठीक है, 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं ताकि इसको थोड़ा बाद में निकालेंगे, पहले इसके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 गुणा 2 लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम 15 के भी दो टुकड़े कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 गुणा 3 और गुणा पे 2 है तो ये आ जाएगा 2, देखिए 5 दिए 15, 15 दूनी 30 बराबर है। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड है वो निकल कर आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, देखिए 30 के जो गुणनखंड हैं वो आ गए हैं हमारे 5 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा में आप 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो 50 है इसके भी हमें निकालना है, तो चलिए 50 के देखिए हमने 25 गुणा 5 तो निकाल लिया था, सॉरी 25 गुणा 2 होगा, यहाँ पर 5 नहीं होगा, 25 गुणा 2। ठीक है, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, अब देखिए 25 के भी हम दो टुकड़े कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और गुणा 2 और साथ में आप 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई हमारा 50। अब 50 के क्या क्या गुणनखंड है, तो ये है हमारे 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब हमारा जो आंसर है वो कैसे निकलेगा देखिए, अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्याएं ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब कि दोनों में एक साथ दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 जो है, जो 5 है वो दोनों में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। ठीक है,
और यहां पर देखिए दो यहां पर भी है और यहां पर भी है, एक यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है। तो जो संख्याएं दोनों में कॉमन है हमें उन संख्याओं को ले लेना है, ठीक है। तो यहां पर पांच कॉमन है तो ये हम यहां पर पांच ले लेंगे, ठीक है, गुणा यहां पर दो कॉमन है तो यहां पर हम क्या कर देंगे, दो ले लेंगे, और एक कॉमन है तो गुणा में हम एक ले लेंगे, ठीक है। अब इनको गुणा कर लीजिए, तो देखिए गुणा करेंगे तो पांच दुनी दस, दस एकम दस, तो कितना आया है, दस आया है। पहले भी हमारा क्या आया था, दस आया था, अब भी दस आया है, ठीक है। तो आपको जो विधि बेस्ट लगे उस विधि से आप इसको कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको दोनों ही विधियां, तीनों ही विधियां आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, सवाल समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।